हेलो गाइस, वेलकम बैक। हो गया तुम सब कह रहे थे ब्लॉग के अंदर। गाइस आज हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद, क्योंकि इसमें क्या लेना है वीजा, ठीक है। अभी हम हो रहे हैं लेट, रात का आया हूँ, भूख लगी थी, कदम से मंगवाया क्योंकि वो सुहारवा शॉप है तो उससे मंगवाया था हमने। अब हम जा रहे हैं जी वो टर्मिनल पर, तू ले सकते नहीं ना है वो पेट्रोल पंप है, वो टर्मिनल पर जा रहे हैं तो आप इंशाल्लाह वहीं पर जाके मिलेंगे, क्योंकि लेट हो रहे हैं पहले ऑलरेडी। मैं 10-15 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ से क्योंकि रास्ता भी इतना है तो वहाँ पर जा रहे हैं सीधा। अब आप इंशाल्लाह वहाँ पर जाके मिलेंगे। 20 minutes later तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं, अल्हला ड्राइवर से जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर का सफ़र पिछली दफ़ा हमारे साथ कोई अच्छा नहीं रहा था, तो बड़ी अनकंफर्टेबल सीट थी उनकी, और दूसरा ये थी कि वो 20 साल पुरानी बसें हैं उसकी, तो वो कोई इतना मज़ा नहीं आया उसका। इसकी बसें नहीं हैं तो हम अब यहाँ से ट्रैवल करेंगे। हम आ गए हैं, मोटरसाइकिल हमने अपनी पार्किंग में लगा दी है, यहाँ पर रहेगी। हम निकल रहे हैं यहाँ से, टिकट कलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे इस्लामाबाद। ये बेचारा पर्ची ले आ रहा है, ले आंदी पर्ची की कहते वापसी के किन्ने देखो 20-30 की होने हैं। चलो अब हम टिकट्स लेते हैं फिर बस में बैठते हैं, तो फिर अभी बस वैसे आई नहीं है, अभी निकल रहे हैं तो फिर बस में बैठ के ही आपसे मिलते हैं। 5 minutes later भाई हमारे साथ हो गया प्रैंक, ये इसको मैंने कहा था जल्दी नहा लो, ये इसने नहाने में इतना टाइम लगा दिया है कि अब हमारी बस मिस हो गई है। अल्लाह, अब हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, वहाँ से कहीं और, पता नहीं अब कहाँ से मिलती है टिकट हमें। मिल जाएगी ड्राइवर टर्मिनल है, और 5:30 निकल गई है यार, 6 बजे भी निकलनी है, 6 बजे नहीं निकलनी होती, निकलनी देखी। अब ये ना बातें सुना रहा है, तू मैं गुस्सा वैसे चढ़ाता है, कल्याण आई है कुछ नहीं होता यार, की हो गया रात चले एक तरह फिर चलने, तू भैन सू गल सुना रहा कोई नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से कहीं और, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ से मिलती है हमें टिकट। 5 minutes later जी तो गाइस फाइनली डेवो से हमें, जिसको हम बूढ़ा कह रहे थे, वहीं से हमें टिकटें मिली 6 बजे की, सिर्फ इस बंदे की वजह से। मैंने क्या किया है, तू ही सारा किया, तू नहाने तेरे 5 बजे बढ़िया, तेरे मैं क्या सीखा पहला बढ़ जा, कुछ नहीं होता। अब फाइनली टिकटें मिल गई 6 बजे की, 10 मिनट रह गए हैं, अब वहीं जा रहे हैं पानी भी कर लेने, वहाँ से अब फिर बस में, और फिर वहाँ से फैज़ाबाद से टिकटें हमें वैसे रावल पिंडी के लिए जाना, हमने फैज़ाबाद है, हमने अपना पूरा 300 रुपया बचाया। कैसे दिया आपको है, नहीं दिया अच्छा है भड़वे बड़ा सुने चौकी मार बचिया भाई, 300 बचिया। चलो आप बाकी निकलते हैं, रास्ते में एक दो छोड़ लेंगे, फिर सीधा आपको पिंडी मिलेंगे। 5 minutes later बैठ गई। 5 minutes later Hours later. So guys, we are in Kalatkaha stay area. हो गया फ्री? मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया बाबा जी। कितना की रिलैक्स हुआ? मैं आधा हुआ। तो पूरा कितना होना? पिंडी जा रहे। ओ जी की वजह? वजह है कि थोड़ा तंग भी होना चाहिए था सफर से। ओ क्यों? बाबा जी इस सफर का मजा नहीं आता है, बंदा थोड़ा तंग हो गया बैठा होगा। किन्ना की तंग हो गया, तो क्या कर दस मैंने पहला बंदे बंदा ना सुबह सुबह तुम्हें पता बंदे ने फ्रेश होना होता वा, कुछ नहीं करवा दी मैं भूल गया, तू मैंने डाया ना, मैं कहा मैं 8 घंटे बाद उठिया वा तो असि सलाम पहुंच गए। ऐसे तो ले होता है जागे, गाइस हम जा रहे हैं वापस, फिर जाके सोचूंगा
फिर सब पिंडी जाके मिलोंगे कि वहाँ भी जाके काम शाम करने हैं। तो व्यू तो फिर लोगों ने वेखे होने ने बैठे साढ़े वेखन ने मूँह। अब आपसे पिंडी जाके मिलते हैं। Two hours later. गाइस हम पहुंच गए हैं जी फैजाबाद। ये कभी मुझे गलती समझ नहीं। वो दरवाजा तो समझ आता व्डिया वास्ते आ दरवाजा कहते वास्ते छोटे वास्ते कौन छोटा हो सकता एडा न्याण कौन छोटे छोटे बच्चे जुड़े होंगे भी होंगे यार। अब बोने वास्ते दरवाजा डिमांस बनाते अब जा रहे हैं बैंक तो बैंक से होके जा रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ पे जाके आपको मिलता है। पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं तेरी पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। हम मेट्रो स्टेशन से होते हुए अब जा रहे हैं बैंक बैंक से फीस जमा करवा के घुट के पड़ा उन्हें तो नहीं जाता। अब यहाँ से बैंक बैंक से फिर वहाँ पे शैलन की ना था की ना था सलान 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 से होते हुए वीजा कलेक्ट करके हम घर सपाटर बल्लू तुम्हारी जेल से फरार बल्लू तुम्हारी जेल से फरार Minutes later. हम जा रहे हैं शलान एंड जीएल पे। One hour later. तो गाइस फाइनली शलान एंड जीएल पे आ गए हैं। चल पे संख्या वीजा रिसीव करने से भी पता नहीं कितने चौके के कितने हम आ रहे हैं ना यार मरी वाली साइड पे आ गए हैं। तो हमारा अगला टूर है मरी का चरना भी जा पहाड़ पे आ रहा था ना। अभी कोई नहीं अब देखते हैं अंदर जाके वीज़ा वीज़ा कलेक्ट करते हैं फिर देखते हैं कि कब भाई की फ्लाइट है और कब ये पाकिस्तान से फोर हो रहे हैं हो जाना इंशाल्लाह जल्दी अब चलें अब अंदर जाके मिलते हैं आपसे। वन आवर लेटर बड़ा हराम ही हो बेटा। तो गाइस हमने फाइनली इसका वीज़ा रिसीव कर लिया है। हो गया बारिश मौसम बहुत टाइट हो गया बहुत ही ज़्यादा टाइट। व्यू देखें गाइस पहाड़ों में इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ अपना और दूसरा अरे जी आप पीछे भी देख लो ये पहाड़ों में इनका ऑफिस है ये वाला ऑफिस है शलान का और वेदर बहुत ही खूबसूरत जैसे बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी बदोबदी देख रहे हैं बादल आप ये बहुत ही मज़ा करवा रहे हैं और बहुत ही ना बहुत अच्छा वेदर हुआ है। अब हम जा रहे हैं सेंट टॉरस जा रहे हैं वहाँ से खाना शाना खाएंगे थोड़ा सा भूख लगेंगे फिर हम क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है हद से ज़्यादा भूख लगी हुई है और बता दो मैं कब जा रहे हैं मुझे मिस ना करें ये लोग। 19 तारीख को बेचारा जा रहा है यानी दूसरे दिन मैंने चले जाना है इसने बस जा रहा हूँ मैं बल्लू तुम्हारी जेल से फरार जा रहा हूँ बाय टाटा। अब ये दुबई जाके भी लोग बनाएगा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला वहाँ भी जाएगा वहाँ भी लोग बनाएगा बाकी अल्लाह खैर करे जब यहाँ से निकल हाँ फिर आएगा मेरे पास फिर हम दोनों उधर लोग बना के सेंड किया करेंगे स्पॉन्सर वीज़ा पे जा फिर जाएगा इसके पास स्पॉन्सर वीज़ा पे इंशाल्लाह। इन ड्राइव वाला आ रहा है अब हमारा तो अब उसके साथ बैठते हैं फिर वहाँ से सीधा सेंट टॉरस। अब आपको भाई देख रहे हैं कपड़े गीले ये बारिश हो रही है ये अल्लाह ताला की रहमत है ये बारिश का मौसम ये मौसम की बारिश दोजख बनी हुई है मेरी मम्मा की कॉल आई कह रही बेटा मौसम कैसा मैं बहुत ही प्यारा कहती बेटा आते हो ना थोड़ा सा मौसम छापड़ में ले आना तो अब मैं बदलों से रिक्वेस्ट करता हूँ। 5 minutes later. कैमरे में एसी नहीं है तो मुझे कहता है नहीं पापा मुझे रात को सही बेहतरीन नींद आती है मेरा कमरा भी ठंडा है तो मैंने कहा किस तरह ठंडा है गर्मी में कैसे ठंडा है तो उसकी कोशिश होती है कि रात को मोबाइल और एक मैंने कहा ना इधर बैग है
वो कुछ दिन पहले वो फंक्शन था ना, तो उसी लड़की को मैं देख रहा था सीधा, कभी ये जब उधर जाए तो वो भी इसी के पीछे पीछे, वो पीछे पीछे। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा वो बड़े जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसको मैंने कहा इस लड़की को समझा दे कि मेरे अब्बू ने आपको देखा है और सही आपको ऑब्जर्व किए, अगर आप नहीं होती तो आपके बड़ों से वो कंप्लेंट कर देगा। हाँ सही बात है। तो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को, और इसको मैंने समझाया, मैंने कहा आइंदा तुमने अकेले कमरे में नहीं सोना। सही है। वो बड़ा बेटा मेरा आ जाता है, वो हमारे साथ सो जाते हैं और ये उधर रहता है, कह रहा ठीक है वो गपशप में हालत ना रहे। मैंने कहा तुमने शाम को, मैंने दूसरे को कहा, मैं वो बड़े को मैंने कहा तुमने 9 बजे कमरे में आना है, और मैंने कहा वो बड़े छोटे वाले मैंने कहा तुमने 8 बजे कमरे में आना है, 8 बजे कमरे में रहोगे बस। One hour later. तो फाइनली गाइस हम सेंटोरस आ गए हैं। ये देखिए अभी बुरा हाल है, पहले खाना खाएंगे उसके बाद कुछ भी होगा। 5 minutes later. कब्बा जी कैसा रहा भूख मटा के? भूख जरा, यानी कि KFC खाई है, बड़ा मजा आया। KFC खाई था, खाई है। ओए ओए अब हम जा रहे हैं जी फर्स्ट से। कितने जा रहे हैं वैसे? हैं? अब चल रहे कितने हैं? मेट्रो स्टेशन उसको फैजाबाद, फैजाबाद उस सीधा ही फैसलाबाद। तो फैजाबाद जाके लग रहा 7:30 बस सब निकलने यहाँ से, अब वहीं जाकर आपको मिलते हैं। One hour later. Hello guys. अब हम वापस आ रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर सारा सफ़र सो के गुजारा है लेकिन फिर भी थक गया है। मैं 1 घंटा सोया मैं फिर भी नहीं थक। लॉजिक तो ये होती है ना, दरअसल इसको खुशी थी ना इसके वीजे की, मुझे तो अभी बस खुशी वीजे की खुशी किसी किन होती, वीजे की खुशी घर छट के जाना, वीजे की खुशी होती दस। इसको बड़ी खुशी है गाइस, मुझे बहुत खुशी है मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूं। हम बैठ गए फैसल मोज में, बस आपको देख सकते हैं आप, आपसे घर जाकर मिलते हैं। Four hours later.